टेक वन मिक्स मसाला कल तो नहीं बोल सकते, उसने मना किया। बोल दूं या लास्ट वाली वो बस एक लाइन बोल दूं? अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट वीकली न्यूज ब्रेकर एपिसोड ऑफ मिक्स मसाला। तो मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी प्यारी सी होस्ट सानिया सईद। तो आज आपको मिलेंगी इस एपिसोड में बहुत सारी सिजलिंग सी अपडेट्स एंड गॉसिप्स। तो क्या तैयार हैं आप लोग, क्योंकि आज होने वाला है ये एपिसोड बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एंड धमाकेदार, क्योंकि यहाँ हर खबर में है चटपटा सब ट्विस्ट। तो सबसे पहली अपडेट है आप सबकी सुपरस्टार एंड पॉपुलर सिंगर आयमा बेग के बारे में। सो आयमा बेग ने अभी रिसेंटली एक अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये अनाउंस किया था कि वो उमरे पे जा रही हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि वो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से जा रही हैं, बट शी इज़ गोना मिस हर कंट्री पाकिस्तान। सो काफ़ी लोगों के इसमें मिक्स रिएक्शंस थे। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि कहीं वो हमेशा के लिए तो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा रही। तो ये सारे मिक्स रिएक्शंस को उन्होंने क्लियर करते हुए एक वीडियो अपलोड करी और उन्होंने कहा, रिलैक्स गाइस, ये वेकेशंस नहीं हैं, ये मिशन है। क्योंकि उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि जितना भी चाह लो, म्यूज़िक इज़ माई पैशन, तुम लोग मुझसे जान नहीं छुड़ा पाओगे। सो इसलिए वो सिर्फ वर्क पर्पसेस के लिए जा रही हैं और कुछ अरसे बाद वो दोबारा लौट कर आ जाएंगी। और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट करी है अपने फैंस के लिए कि उनका एक न्यू सॉन्ग रिलीज होने वाला है, जो कि होगा 18th of August को। सो गिटार बजने वाले हैं और दिल धड़कने वाला है। सो मार्क योर कैलेंडर्स फॉर द न्यू सॉन्ग रिलीज। तो अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक एंड हॉट ड्रामे के बारे में, जो कि बेसिकली है वेब सीरीज जो कि Z5 पे भी फीचर हो चुकी हुई है, वो है बर्ज़क। और अगर हम बात करें बर्ज़क की, तो उसके विजनरी डायरेक्टर हैं आसिम अब्बासी, जिनको इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है, क्योंकि बर्ज़क में है काफ़ी ज़्यादा LGBTQ के एलिमेंट्स, जो कि लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने इस पे वीडियोस भी सर्कुलेट कर दी हैं और अपने कमेंट्स भी शेयर कर दिए हैं कि पीपल आर नॉट लाइकिंग इट एंड दे शुड बैन दिस सीरीज़। लेकिन आसिम अब्बासी को इस चीज़ का इसलिए भी बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि फवाद खान एंड सनम सईद को इससे पहले ज़िंदगी गुलजार है में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ मिल चुका था, उनकी बहुत हिट ऑन स्क्रीन जोड़ी कहलाई जाती थी। इसी वजह से आसिम अब्बासी ने ये सोचा होगा कि जी यहाँ पर भी उनको हिट करार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका जी। लेकिन वो कहते हैं ना, आसिम अब्बास भी अपने दिल में ये कह रहे थे कि जी मेरी कहानी मेरी मर्जी। तो आसिम अब्बासी ने ये सारे क्रिटिसिज्म को एड्रेस करते हुए अपने व्यूअर्स से ये कहा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको ये LGBTQ की स्टोरी लाइन्स पसंद नहीं तो आप लोग ये मत देखिए, थैंक यू। तो ये होती है ना जी बात, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्रिएटिविटी। तो अब हम चलते हैं टर्की की ट्रिप की तरफ। टर्की में 3 यार और फन का सुपरस्टार। तो क्या आप जानते हैं टर्की में इस वक्त यशमा गिल अपनी बेस्ट फ्रेंड्स सबूर अली एंड किंजा हाशमी के साथ इंजॉय कर रही हैं। लेकिन लोगों का तो काम है कहना, तो सोशल मीडिया को तो जी फैशन का कोड बना रखा है, इसीलिए यशमा गिल को उन्होंने भी चैन से जीने नहीं दिया, बल्कि उनको फिर से एक दफ़ा अपनी ड्रेसिंग पर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। तो हेटिंग तो इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन यशमा गिल ने भी ठान रखी है कि वो भी नहीं रुकेंगी अपनी फैंस को अपनी डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल से इम्प्रेस करने के लिए। तो ये था हमारी आज की डोज ऑफ मिक्स मसाला। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और मसालेदार खबरों और गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, कमेंट अंडर आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर सोशल। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि मिक्स मसालों के बगैर तो वैसे भी ज़िंदगी थोड़ी फीकी सी लगती है। अल्लाह हाफिज़।